सबसे पहले हमने यहाँ पर बात की थी और की बात की थी जिसको हम क्या बोलते हैं एस बोलते हैं। एस एक प्रकार के वो सब्सटेंस होते हैं जिनके साथ में क्या और मेटल के साथ में बहुत सारी क्या होती है इंप्योरिटी। अब हमारा टारगेट ये होता है कि भाई ये जो इंप्योरिटीज है इन इंप्योरिटीज को हमें क्या करना होता है रिमूव करना होता है। अब रिमूव करने के लिए अपन डिफरेंट टाइप्स के अपन मेथड काम में लेते हैं। सबसे पहला जो अपन मेथड काम में लेते हैं इसको क्या करते हैं क्रशिंग करते हैं। आप इसकी क्या करते हैं इसकी क्रशिंग करते हैं और क्रशिंग करने के दौरान अपन क्या करते हैं इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। सेकंड है वो क्या आता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। भाई जो भी आपके पास सोलिड अवस्था के अंदर जो आपके पास में गैस का आया है उसको अपन क्या करते हैं कंसंट्रेट फॉर्म में अपन क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। और कंसंट्रेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अपने पास डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं। उसके अंदर अपन ने बोला था कि मेन लेते हैं पहला मेथड कौन सा होता है फिजिकल मेथड और दूसरा कौन सा होता है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर अपन ने बात की थी सबसे पहले कौन सा मेथड था आपके पास में सबसे पहला मेथड कौन सा था आप बोल सकते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के द्वारा भी अपन क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सेकेंड कौन सा था आपके पास में क्रॉस रोटेशन मेथड। क्रॉस रोटेशन मेथड के द्वारा अपन क्या करते हैं जो डिफरेंट टाइप की जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको अपन क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तीसरा मेथड कौन सा आया था आपके पास में मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जिसको अपन क्या बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो जो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड होता है उसके द्वारा अपन क्या करते हैं मेनली जिनके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं इंप्योरिटीज होती है वो क्या होती है जो आपका मैग्नेट होता है उसकी तरफ क्या होता है अट्रैक्ट होता है उनको अपन इस विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं आप सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड होता है उसके अंदर अपन ने देखा था कि भाई एक तो होता है आपके पास में इंप्योरिटीज और दूसरी क्या होती है मेटल। इन दोनों के अंदर से क्या होगा कि एक चीज जो है वो क्या होगी मैग्नेट की तरफ क्या होगी अट्रैक्ट होगी जबकि दूसरी चीज मैग्नेट की तरफ क्या नहीं होगी अट्रैक्ट नहीं होगी। भाई दोनों के अंदर मेनली ये डिफरेंस रहेगा भाई एक चीज को मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी और दूसरी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी तभी अपन आसानी से इसको क्या कर सकते हैं आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने तीन मेथड्स की यहाँ पर हमने बात की थी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड दूसरा फोर्थ रोटेशन मेथड और तीसरा कौन सा जगह आपके पास में मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसके अलावा दूसरा मेथड अपने बात की थी केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर अपने देखा था कि जो भी आपके पास में मेटल्स होती है और इंप्योरिटीज होती है उनकी आप केमिकल रिएक्शन के द्वारा अपन उसे क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। और यहाँ पर एक सबसे अच्छा जो मेथड अपने देखा था साइनाइड प्रोसेस और साइनाइड प्रोसेस के द्वारा अपन क्या करते हैं कौन कौन से मेटल्स होती है जिनको अपन मेनली इस विधि के द्वारा क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। पहले क्या होता है Cu Ag और Na ये जो मेटल्स हैं जिनको अपन क्या करते हैं साइनाइड प्रोसेस के द्वारा अपन क्या करते हैं इसको सेपरेट करने का काम करते हैं। तीसरी जो अपने पास स्टेप जो आती है वो क्या आती है कॉन्सेंट्रेट और फॉर्म में क्या करते हैं ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास कितने मेथड होते हैं दो मेथड होते हैं। पहला मेथड कौन सा रहेगा आपका कैल्सिनेशन और दूसरा कौन सा रहेगा रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन इसको अपन क्या बोलते हैं निस्तापन और कैल्सिनेशन के अंदर क्या होता है मेनली यहाँ पर जो आपका जो कॉन्सेंट्रेट ओर होता है उसको अपन कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर ऑक्साइड के अंदर इन द प्रेजेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर अर्थात ये जो रिएक्शन करवाई जाती है कैल्सिनेशन की जो रिएक्शन करवाई जाती है वो किसकी एयर की एब्सेंस के अंदर करवाई जाती है ठीक है। और इस प्रोसेस के दौरान अपन क्या करते हैं भाई जो भी आपके पास में जो आपका ओर है या जो कॉन्सेंट्रेट ओर है उसके साथ में जो नमी वगैरह होती है जो मॉइस्चर वगैरह होती है उस मॉइस्चर को अपन क्या कर लेते हैं रिमूव कर लेते हैं और जो कॉन्सेंट्रेट ओर होता है उसको अपन ऑक्साइड के अंदर क्या कर देते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा प्रोसेस कौन सा था अपना रोस्टिंग। रोस्टिंग जो है एयर की प्रेजेंस के अंदर करवाया जाता है
और यहाँ पर आपने देखा था कि मेनली रोस्टिंग जो होता है वो सल्फाइड ओट्स का करवाया जाता है, और जैसे आप इसको एयर के प्रोसेस के अंदर आप हीट करते हैं तो हीट करने के दौरान यहाँ से जो डिफरेंट टाइप की जो गैसेज होती है मेनली CO2 और SO2 गैस होती है यहाँ से क्या हो जाती है रिलीज हो जाती है या फिर रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से दो मेथड्स के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेट ओट होता है